नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश। आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे कि क्यों आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपको उतना स्टोरेज नहीं मिलता है जितना कि एडवर्टाइज किया जाता है या जितना कि बॉक्स में लिखा होता है। दोस्तों, आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में स्टोरेज में बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं जिनमें से ज़्यादातर पार्टीशंस सिस्टम को किसी न किसी तरह चलाए रखने के लिए बने होते हैं। उसमें से कुछ एक दो पार्टीशंस जो होते हैं वहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, वहाँ पे आपकी म्यूज़िक वीडियोस और इमेजेस वगैरह स्टोर होते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कुछ पार्टीशंस हैं जिनको मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि वो किस काम में आते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम में डिलीवर होने लगे। दोस्तों, बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले हैं और चलिए बात शुरू करते हैं। पहला पार्टीशन होता है बूट पार्टीशन। बूट पार्टीशन वो पार्टीशन है जहाँ पे रैम डिस्क और कर्नल स्टोर्ड होती है। जब आप अपने फोन में पावर बटन दबाते हैं तो जो सबसे पहला पार्टीशन जहाँ से फाइल्स आना शुरू होती है रैम में, वो होता है बूट पार्टीशन। अगर बूट पार्टीशन को आप अपने सिस्टम से फ़ोन से डिलीट कर देंगे तो आपका फ़ोन पावर ऑन नहीं होगा। आप पावर बटन दबाएंगे तो कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा क्योंकि बूट पार्टीशन ही सबसे पहला पार्टीशन होता है जो मेमोरी में लोड होता है। दूसरा पार्टीशन है सिस्टम पार्टीशन। सिस्टम पार्टीशन वो पार्टीशन है जहाँ पे एक्चुअली आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम पार्टीशन के अंदर स्टोर्ड होता है। अगर आप Xiaomi की कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, MIUI उसमें स्टोर्ड है, तो वो सिस्टम पार्टीशन में स्टोर्ड है। अगर आप OnePlus की कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो OxygenOS उसमें यूज हो रहा है और वो भी सिस्टम पार्टीशन के अंदर स्टोर्ड है। दोस्तों, सिस्टम पार्टीशन में ही वो सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं जो सिस्टम के साथ पहले से आती हैं। जब आप पहली बार अनबॉक्स करते हैं फोन को और उसे पावर ऑन करते हैं तो जितनी सारी एप्लीकेशंस उसमें पहले से डली होती हैं वो सारी जनरली सिस्टम पार्टीशन के अंदर होती हैं। उन्हें आप अनइंस्टॉल जनरली नहीं कर सकते हैं, उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस सिस्टम पार्टीशन के अंदर होती हैं। अगला पार्टीशन है रिकवरी का। रिकवरी पार्टीशन बेसिकली ऑल्टरनेट बूट मेथड प्रोवाइड करता है और मेंटेनेंस के काम आता है। जनरली जो लोग कस्टम रोम से फैमिलियर हैं वो लोग जानते होंगे कि उन्हें रिकवरी पार्टीशन मॉडिफाई करना होता है। रिकवरी में कस्टम रिकवरी डालनी होती है, उसके बाद ही हम कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं। आप अपनी स्टॉक रिकवरी में जो आपके फ़ोन में बाय डिफॉल्ट पड़ी होगी, आप अपनी स्टॉक रिकवरी में जनरली ज़्यादा से ज़्यादा या तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, कैश को वाइप कर सकते हैं, सिस्टम को माउंट कर सकते हैं, या फिर फर्मवेयर अपडेट्स को ऑफलाइन ले सकते हैं। जो आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं उन्हें ऑफलाइन अगर आप zip फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उसे रिकवरी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ोन में। दोस्तों, अगला पार्टीशन होता है डेटा पार्टीशन। डेटा पार्टीशन वो पार्टीशन है जहाँ पे आपके फ़ोन की सेटिंग्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके SMS वगैरह स्टोर्ड होते हैं, वो डेटा पार्टीशन होता है। डेटा पार्टीशन फैक्ट्री रीसेट के वक्त पे वाइप होता है। अगर आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो आपके दो पार्टीशन वाइप होते हैं। पहला होता है डेटा पार्टीशन और दूसरा होता है SD कार्ड पार्टीशन। SD कार्ड पार्टीशन में इस वीडियो के बाद में आएंगे। इसके बाद आता है कैश पार्टीशन। कैश पार्टीशन वो हिस्सा होता है जहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम अपना काम करते करते कुछ फाइल्स को स्टोर करता जाता है जिनकी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ती रहती है, जिनका ज़्यादातर जैसे छोटे छोटे कामों में उनका काम पड़ता रहता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को एंड्रॉयड कैश पार्टीशन में स्टोर कर लेता है ताकि आपका काम थोड़ा जल्दी हो सके। तो आप कैश पार्टीशन को वाइप कर सकते हैं, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। कैश ऑटोमेटिकली बिल्ड होती रहती है एंड्रॉयड में जैसे जैसे समय के साथ आप यूज़ करते जाते हैं डिवाइस को। अगला पार्टीशन होता है दोस्तों मिस्क पार्टीशन, मिसलिनियस पार्टीशन। मिसलिनियस पार्टीशन में कैरियर स्पेसिफिक या वेंडर स्पेसिफिक जो भी चेंजेस आपके सॉफ्टवेयर या आपके डिवाइस में किए जाते हैं वो मिसलिनियस पार्टीशन में स्टोर किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे डिवाइस स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं और अगर इसको आप वाइप कर देते हैं तो कई सारे फीचर्स जो आपके फ़ोन में यूनिक हैं वो शायद काम करना बंद कर दें। तो मिसलिनियस पार्टीशन अगला पार्टीशन था। इसके बाद पार्टीशन जो होता है वो होता है SD कार्ड पार्टीशन। और SD कार्ड पार्टीशन ही दोस्तों वो पार्टीशन है जहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। जो आप इमेजेस खींचते हैं, जो आप म्यूजिक स्टोर करते हैं, जो आप वीडियोस डाउनलोड करते हैं, वो सारी चीज़ें इस SD कार्ड पार्टीशन में ही स्टोर होती हैं। और SD कार्ड पार्टीशन ही दोस्तों वो पार्टीशन का हिस्सा है जो आपको एक्चुअली दिखता है और वही आप अपना डेटा स्टोर करने में यूज़ कर पाते हैं। अब दोस्तों, जब आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो दो ही पार्टीशन वाइप होते हैं, पहला होता है डेटा और दूसरा होता है SD कार्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ये सारे रीसेट हो जाते हैं। आपके जितने भी ऐप्स जो आप डाउनलोड करते हैं वो भी डेटा पार्टीशन में होते हैं तो वो भी डिलीट हो जाते हैं। और जितना भी डेटा आपने SD कार्ड में स्टोर किया होता है, जो भी फाइल्स आपने ऑफलाइन स्टोर की होती, डाउनलोड की होती हैं, वो भी डिलीट हो जाती हैं। तो ये होता है फैक्ट्री रीसेट में। फिलहाल ये पार्टीशंस तो एक मेन रीज़न है ही कि आपको क्यों कम स्टोरेज मिलता है, क्योंकि ये अलग अलग पार्टीशंस भी अपना कुछ कुछ स्पेस लेते हैं। उसके बाद
आपको जो बचा हुआ स्पेस होता है वो आपको मिलता है अपना डेटा स्टोर करने के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको एक्चुअल स्टोरेज थोड़ा कम मिलता है। पहला तो उनमें से है कि कन्वर्जन, हम जो आम बोलचाल की भाषा में जो यूनिट यूज़ करते हैं वो किलो से हमारा मतलब होता है हज़ार से। जैसे एक किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम या 1 किलोलीटर मतलब 1000 लीटर। पर कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स या जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं ये दोस्तों बाइनरी में कैलकुलेट करते हैं, और बाइनरी में किलो के सबसे करीब जो नंबर होता है वो होता है 1024। तो ये जो 24 का ऑफसेट है पर किलो ये भी काउंट होता है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि 32 GB में लगभग 2.4 GB कम हो जाता है ये कन्वर्जन की वजह से, और आपको 32 GB स्टोरेज में कन्वर्जन के बाद आपका फ़ोन जो रीड करेगा वो 29.60 GB स्टोरेज होगा। तो कन्वर्जन की वजह से भी लगभग आपका 7% स्टोरेज जो लिखा होता है डब्बे में उससे कम मिलता है आपको। तीसरा वजह होता है फॉर्मेटिंग, हर एक स्टोरेज को यूज़ करने से पहले फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेट में कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं जैसे इंडेक्सिंग होती है कि कौन सी फाइल कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, ऐसी इंडेक्स जैसे आप नोटबुक के शुरुआत में बनाते हैं वैसी इंडेक्स बनती है फॉर्मेटिंग में, और भी ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है स्टोरेज को, अलग अलग तरीके होते हैं फॉर्मेटिंग के। एंड्रॉयड में जो फॉर्मेटिंग यूज़ की जाती है वो है EXT4, काफ़ी इफिशियंट है, काफ़ी सालों से यूज़ की जा रही है। रिसेंटली सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था F2FS, पर जनरली आपका फोन जो फॉर्मेट होता है वो EXT4 में होता है। तो दोस्तों ये तीन वजह होती हैं मेनली जिनकी वजह से आपको जो एडवर्टाइज स्टोरेज होता है 32 GB का उसमें से आपको 27, 28 या 128 GB में 112, 110 GB के आसपास स्टोरेज मिलता है। दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर दें। मैंने कुछ लिंक्स आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ दिए हैं, अगर आपको और ज़्यादा समझना है जानना है एंड्रॉयड स्टोरेज के पार्टीशन के बारे में तो आप बेशक उनमें से किसी भी लिंक को विजिट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम बहुत जल्दी 100 का आंकड़ा हिट करने वाले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली बार वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।